बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी के चावल बनाना सिखाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ये कुछ सामान लिया है और इससे हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो हमारे सब्ज़ी के चावल हैं बनाना सिखाएंगे, और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसे चाइनीज़ राइस भी कहते हैं। तो हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये प्याज लिए हैं और इसको हमने लंबा लंबा काट लिया है, और ये हमने बंद गोभी ली है, और साथ में हमने शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को भी हमने छोटा छोटा काट लिया है, और ये हमने आलू लिए हैं, इसको भी हमने बारीक काट कर और अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक लिए हैं और इसको छील लिया है हमने, और ये हमने फ्रेश लाल टमाटर लिए हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार हमारे चावल तैयार होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये अपना बर्तन लिया है, और ये तकरीबन गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आपने ऑयल को गर्म होने देना है, वो बहुत ज़रूरी है और इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो हैं आपने बारीक और लंबे काटने हैं, और प्याज ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है और इसको हल्का ब्राउन करना है। आपने प्याज को जलाना नहीं है, मीडियम फ्लेम रख के इसको हल्का ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको हल्का ब्राउन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने इसे हल्का ब्राउन कर लेना है, और आपने अपने ब्राउन कर लेना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें खुशी होती है। तो यहाँ पर जो है हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर इसे पकाते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को जो है हमने ग्राइंड कर लिया है, आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं और छोटा छोटा काट के भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है, और इसको आपने तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, और ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर जो है हमने इसे 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है, और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। जिससे सबसे पहले हमने ये तेज़पत्ता के पत्ते लिए हैं, और ये हमने लौंग लिए हैं, साथ हमने मोटी इलायची ली है, और ये हमने बादियान के फूल लिए हैं, और ये हमने अदारचीनी ली है, साथ हमने ज़ीरा लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये गर्म मसाले हमने पहले इसलिए नहीं ऐड किए, ये जल जाते, इसलिए हमने बाद में ये ऐड किए हैं, और आपने भी इसे बाद में ही ऐड करना है। और इसके बाद हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। ये हमने नमक डाल दिया है इसमें, यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको नमक सही लगता है आप उस तरह से नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएँगे। यहाँ पर इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से हमने पका लिया, और अब देख सकते हैं मसाला जो है अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने ये हमने कूटी हुई काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आने वाली मज़ेदार सी वीडियोज़ आपको शेयर करें। यहाँ पर इसको हमने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को आपने छोटा बारीक काट कर और धोकर ऐड करना है। तो यहाँ पर आलू हमने इसमें ऐड कर दिया है, और ये हमारा जो आलू रह गया था इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से हम इसके अंदर पका लेंगे, तकरीबन 4-5 मिनट तक पका लेंगे, जब तक ऑयल बाहर नहीं आ जाता। यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल बाहर आ चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो ये हमने मग लिया है, और इसका जो है हम 2 गिलास मग लिए हैं, और हमने 4 गिलास चावलों के लिए हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं 2 गिलास चावलों के हैं तो आपने 4 गिलास पानी के डालने हैं। अगर 3 गिलास चावलों के हैं तो आपने 6 गिलास पानी के डालने हैं, तो आपने डबल करके डालना है। यहाँ पर जो हमारा पानी है बॉयल हो चुका है, हमने इसे बॉयल करने ही रख दिया था। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है
हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल जो थे हमारे 2 मग के करीब थे और हमारा जो हमने पानी ऐड किया है वो 4 मग के करीब किया है। तो यहाँ पर जो है हम इसमें जो हमने काट कर रखा था, तो यहाँ पर हम शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसको हमने बाद में क्यों ऐड किया, वो हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि जो अगर हम पहले ऐड करते तो अच्छी तरह से उसमें पक जाते और इसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता, इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता और मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर हमने बाद में ऐड किया है, इस चीज़का आपने ख्याल करना है, आपने इसे बाद में ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके। और यहाँ पर इस स्टेज पर जो है आप नमक भी चेक कर सकते हैं, नमक कम ज़्यादा हो तो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे इसके पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर इस हमारे जो चावल हैं उनका पानी सूख चुका है और आपने तब दम पर लगाना है जब अच्छी तरह से चावलों का पानी सूख जाए, उससे पहले नहीं लगाना वरना आपके जो चावल हैं जुड़ जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर जो है चावलों का जो पानी है वो सूख चुका है, अब हम इसे दम पर लगा देंगे। आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसे आपने 10-20 मिनट तक दम पर लगाना है। और यहाँ पर जो है हमारे जो चावलों हैं उसे 10-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे चावल हैं बिल्कुल निखरे निखरे तैयार हुए हैं, आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़े और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी हैं। आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको जो चावल हैं, ये जो सब्ज़ी वाले चावल हैं, ये कैसे लगे हैं। बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है, कितने मज़ेदार कितने टेस्टी हमारे मज़ेदार से सब्ज़ी के चावल तैयार हुए हैं। ये जितने देखने में अच्छे हैं उससे ज़्यादा खाने में अच्छे हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको हमारी ये जो वीडियो है ये कैसी लगी। ये जो चावल हमने बनाए हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल निखरे निखरे तैयार हुए हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं, भप्पा नहीं बने, तो हमने बस जो ट्रिक इस्तेमाल की थी उसकी वजह से अब कुछ हुआ है। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें सपोर्ट करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।